एंटीडिहाइड्रेस दे दो, कुछ ओआरएस दे दो, पानी दे दो, और अगर ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया तो ड्रिप चला दो और घर ले जाओ. दिस इज आई बिलीव व्हाट यू आर बिलीव दिस कुड हैपन हियर. लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इस बंदे को कैसे हो गया पेट में गड़बड़, व्हाई इज सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन. थ्रू द साइंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई कि व्हाट ही हैड, उसने क्या खाया था उससे एक दिन पहले. दे कुड आइडेंटिफाई द फूड ही हैड ईटन. They could identify that store, food store, where from he had purchased the food. From there, they could track down the food which had come from, जहाँ से आया था. जब वो वहाँ पे गए, they tried to just reach to the source. और उन्होंने देखा जहाँ से वो food आया था, उस food में contamination था, food poisoning हुई थी. So they stopped it right at that origin, where the problem had arisen, where there was that contamination in the food. This is the science of blockchain technology. Blockchain से मतलब ये है कि अगर आपके हाथ में ये pen है, मेरे हाथ में pen है. No, you don't know where from it has come. So that blockchain technology will tell us, say, where from this pen has originated, how it has reached to me. आपका 3D printing है. आप जब space में जाते हैं ना, space में अगर उनको कोई nut bolt की problem होगी, तो what shall they do? They cannot come down to earth और अपना nut bolt बनाना शुरू कर देंगे. But with that 3D printing technology, they will just make that nut and bolt right in the space and then fix the problem. This is the fourth industrial revolution we are passing through. जितने भी सारे gadgets आप यहाँ पे देख रहे हैं. All the gadgets, they have one way or the other way. So this is each integrated by that what's called as information technology and then the automation. And every single thing, जो आपके हाथ में है, जो इस हाल में है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, everywhere there is some kind of intellectual property hidden into it. For everything, आपका एक पैर निकाल के इसका जो सामने टिप है, इसका भी किसी न किसी को पेटेंट मिला होगा और कोई ना कोई बंदा आज भी इससे पैसा कमा रहा है. You know? Intellectual property, we call them the patents, the copyrights, whatever you see. There are different types of intellectual properties. So what is that? No, the human intellect. The wisdom of the human wisdom. When ऊपर वाले को खुदा को जब इंसान दुनिया में लाना था ना, तो फरिश्ते वगैरह उनसे कुछ बहस हो रही थी, भाई मैंने किसी को लाना है दुनिया में. तो जो बहस हुई, तो उस बहस में जो बात में ये पता चला कि भाई एक ही बात पे ज्यादा बहस चली कि भाई खुदा उनको कह रहा था कि भाई जिसको मैं यहाँ ला रहा हूँ, क्योंकि फरिश्तों ने भी देखा नहीं था इंसान को दुनिया में आते हुए, उन्होंने उसको विटनेस भी नहीं किया, बट दे हैड प्रेडिक्टेड दैट ही वुड बी वेरी बैड काइंड ऑफ नो क्रिएचर ऑन अर्थ. ही विल क्रिएट लॉट ऑफ मेस ऑन अर्थ, है ना, लॉट ऑफ मेहम. ही विल क्रिएट लॉट ऑफ ब्लडशेड, ही विल क्रिएट लॉट ऑफ नो डेथ्स विल बी देयर. बट देन गॉड टोल्ड द फरिश्तों को, कहा दैट आई एम जस्ट आल्सो गिविंग नॉलेज एंड विजडम टू दिस गाइस. सो दैट नॉलेज एंड विजडम, with that knowledge wisdom, man has made God very happy, and those Almighty must be also feeling, you know, that happy to that what I had promised to the jo angels, jo farishton ko maine kaha tha ki it has come to the end. Yahan pe jo aapke principal sahab ne aur jo aapke college ne bachchon ke liye program organize kiya, wo ye hai ki hum aapko kaise inspire kare, hum aapko kaise insight kare, hum aapko kya batayenge ki who are you? तो वो जो विजिटर है वो आप सब बच्चों हैं. हम इस तरफ से आप बच्चों को ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ग्रूम कर रहे हैं ताकि आप बड़े होके इस वो जो गैप, बहुत बड़ा गैप बना है, जो 16th सेंचुरी से आज तक सारी दुनिया आगे बढ़ी हुई है और हम सब पीछे हैं. हाउ डू वी ब्रिज दैट गैप, और हाउ डू यू वुड जस्ट आर अगेन मोमेंट ऑफ, और हाउ वुड यू शेप द सोसाइटी. हम कब तक इस सोसाइटी में कंज्यूमर बेस्ड सोसाइटी ही बने रहेंगे, हम कब तक, आज कोविड का चक्कर चल रहा है सारी दुनिया में, एंड एवरीवन ऑफ अस इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड नो इज जस्ट वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ मिरेकल, सम काइंड ऑफ अ शॉट इन द आर्म कमिंग फ्रॉम मेबी सम फादर ऑफ आर सम फ्रॉम सम कंपनी यूएसए से या कहीं यूके से कहीं से. आई नो दैट इज द काइंड ऑफ द नो reality which is today, and that reality we want to just reverse it, and that would be through you. बच्चों को मैं आप एक बात और बताऊं कि जितनी भी एडवांसमेंट इस वक्त हिंदुस्तान में हुई है, आई टेल यू इट इज बिकॉज ऑफ लेस देन 4% ऑफ द स्किल्ड ह्यूमन पावर. इंडिया इज अ बिग कंट्री, देयर आर सम 1.3 बिलियन पीपल, मोर देन 60% आर द नो यंग पीपल, एंड ओनली 3-4% ऑफ द टोटल ऑफ आवर वर्क फोर्स इज स्किल्ड. 97% or 95% of the human force in this country is unskilled. इसको अगर आप कुछ advanced countries के साथ compare करोगे, आप कोरिया के साथ देखो, आप जापान के साथ देखो, more than 97% of the people in Korea, though who are the workforce there, they are skilled.
But here, it is quite reverse. Less than 5% of the people in India are skilled. So what does that mean? That 95% of our workforce who is unskilled are managing our daily affairs. But इसे आपको एक बात का शायद पता चलेगा कि जितनी भी अचीवमेंट्स हमने हासिल करी हैं वो बिकॉज ऑफ दोज 3 या 4% ऑनली. अब एक बहुत बड़ा फोकस है, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी स्कीम्स लॉन्च करी है, उसमें यही है कि हाउ डू वी स्किल यू, हाउ डू वी ट्रांसलेट, हाउ डू वी रिफॉर्म आवर एजुकेशन. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो यही कह रही है कि नाउ द एजुकेशन हैज टू बी मोर ऑफ स्किल बेस्ड, एजुकेशन हैज टू बी मोर ऑफ वी मस्ट ऑल्सो इम्पार्ट सम वोकेशनल काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स टू द स्टूडेंट्स. And we must also incite students for creativity, for innovation. इस यूनिवर्सिटी में हमें एक क्रेडिट मिला है compared to so many other universities across the country. We are part of one national flagship project. वो flagship project है National Agricultural Higher Education Project. In that project, we have taken a lead around the country of reforming agricultural education in the country. तो उसमें हमने यही देखा कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल एंड हाउ डू वी ब्रिज इट. यू आर एट अ कॉलेज लेवल बट एट द यूनिवर्सिटी लेवल वी से दैट द कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम हैज 4 कंपोनेंट्स. पहला उसका एजुकेशन है, देन वी गो टू द रिसर्च एंड देन इज द इनोवेशन एंड देन इज द बिजनेस एंड द एंटरप्रेन्योरशिप. बट अनफॉर्चुनेटली in our in across the country there is a disconnect between the education, the research, the innovation and the entrepreneurship. Logon ko ye nahi pata hai ki hum education kyun karte hain, because they are not learning from the experiences of the industries. So in this university we are trying to just link our education with the industry, and we are taking the feedback from the industry people, telling them what kind of skills does the industry would like to have in our students. Wo isliye कि ये जो मैं फोर्थ रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, आने वाले 10 या 15 सालों में मोर देन 50% ऑफ द जॉब्स विल बी रिडंडेंट. जो इंडस्ट्री में इस वक्त लोग काम कर रहे हैं, आज से 10 या 15 साल बाद ये कहा जाएगा तो 50% से ज्यादा लोगों को कहा जाएगा यू आर नॉट यूजफुल टू अस, है ना, वी डोंट नीड योर सर्विसेज, बिकॉज बाय दैट टाइम द टेक्नोलॉजीज वुड हैव एडवांस्ड टू एन एक्सटेंट कि हमारे जैसे लोगों को बोलेंगे कि भाई इफ वी नॉट अपडेट आवर सेल्व्स टुडे वी विल बिकम रिडंडेंट. तो इस नए एजुकेशन सिस्टम में हमें ये करना है कि हाउ डू वी लिंक दैट एजुकेशन विद द न्यू स्किल डेवलपमेंट. और उसमें आई बिलीव यू नो देयर मस्ट बी सम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इज जस्ट वर्किंग वेरी हार्ड हाउ डू वी इंटीग्रेट स्किल एजुकेशन विद योर जो इन योर करिकुलम. और दूसरा उसमें यह है कि बच्चों को जो है ना वी मस्ट गिव देम द फ्रीडम टू चूज. वो ये we call that the choice based credit system. If there is a child, there is a student, he wants that, okay, this is his normal curriculum prescribed by the college, but there are certain other kind of the courses which the student would like to take, jo usko acha lagta, and there are so many options for a student to try to learn those new courses. Many of them are virtual, they are online. Aur jab se COVID shuru ho gaya tab se hame ye pata chala ki of course classroom is the most effective way of teaching students, but then under those difficult situations, you know, the students have tried to understand what are the other ways, and one of the ways is this virtual classroom. But then there are so many number of courses available from so many number of institutions around the world. I'm pleased to say you that there are certain students who have just passed 10 plus 2, now they have just entered into graduation. They have attended some programs from Harvard, from Stanford, from Oxford, because they offer so many number of courses. So, आपके लिए options ये हैं कि जिस बच्चे को जो अपना interest है, अगर वो interest आपको college fulfill नहीं करता है, तो आपको चाहिए कि please Google that interest into the Google, and you will find so many number of courses which the premier institutions around the world are offering, and that too at very very nominal cost. और मुझे लगता है कि last में सर्टिफिकेट इशू करने के लिए वो आपसे 5-10-15 डॉलर आपसे लेते हैं, अदरवाइज ऑल एवरीथिंग जो आपका मटेरियल है, कंटेंट है, वो सब आपको फ्री मिलेगा वहाँ से. सो दैट इज हाउ यू स्टार्ट बिल्डिंग योर स्किल्स स्टडी, हाउ यू स्टार्ट एनरिचिंग योर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. एंड आई एम आल्सो जस्ट ट्राइंग टू जस्ट अलर्ट यू हियर, इन कमिंग टाइम, आने वाले जमाने में जब आप कहीं पर जॉब के लिए जाओगे, बिलीव मी नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन योर क्वालिफिकेशंस. जैसे मेरे पास कोई मास्टर्स की डिग्री है, एमए की डिग्री है,
या पीएचडी, दे वोंट बी बदर्ड अबाउट, दे वोंट बदर अबाउट माय डिग्री. वो कहते हैं कि दिस इज अ रिसीप्ट फॉर द मनी आई हैव स्पेंड ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जो मैंने 2 साल 4 साल 5 साल जो पैसे लगाए मैंने उस को हासिल करने के लिए, दैट डिग्री दे वुड जस्ट रेट इट जस्ट एज अ रिसीप्ट. व्हाट दे आर इंटरेस्टेड मोर इज द स्किल एंड हाउ स्किल्ड यू आर एंड हाउ इनोवेटिव यू आर एंड हाउ क्रिएटिव यू आर. फॉर दैट बच्चों को आज से सीखना पड़ेगा, क्योंकि 1.5 साल 2 साल ऑलमोस्ट 1 साल से, या हमारे यहाँ पे तो 2 साल से आप लोगों ने तो बच्चों ने स्कूल तो देखा नहीं है, आपने टीचर के साथ इंटरेक्ट किया ही नहीं है. इसीलिए आपको ये देखना है कि फिर तुम खड़े होकर जो बाकी दुनिया करे हमें क्या करना चाहिए. सारी दुनिया में कोविड हो गया और पता चला कि देयर आर सम अदर वेज ऑफ एजुकेटिंग आवरसेल्व्स. हम पिछले 30 सालों से यही देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने आज तक कभी ये दूसरा तरीका इख्तियार नहीं किया था. लेकिन अब हमने जब देखा कि सारी दुनिया ऐसा करे, सो माय एडवाइस टू द स्टूडेंट्स इज दैट please try to just see the potential in every child. जो यहाँ बैठा है, हर किसी बच्चे में कोई ना कोई खास potential है और वो unique potential है उसमें. और जो हमारा current system of education है यहाँ पे इंडिया में, वो क्या करता है, जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिट करते हैं नर्सरी में, तो जो बच्चों को वो इंडिविजुअल जो उसकी इंडिविजुअलिटी होती है, उसका अपना एक पोटेंशियल होता है, तो वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, वो पूरी राइम सुना सुना के जो है ना हम उसका सारा खत्म कर देते हैं, क्योंकि बाद में उसको इतना ही याद रहता है कि ओनली नोज ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट. उसकी इंडिविजुअलिटी को हम खत्म कर दें. और ये हमारे स्कूल एजुकेशन में भी है और ये हायर एजुकेशन लेवल में भी हुई है, वही रॉट लर्निंग है, एग्जाम होता है. और हम क्या करते हैं अपने टीचर लोग, मैं भी वही करता हूँ, बच्चों का ऐसे सवाल पूछते हैं कि उनको सारा वो हम उनकी मेमोरी को चेक करते हैं. लेकिन आने वाले जमाने में ऐसा इट विल नेवर हैपन. क्यों? कि इफ यू विल सी द टोटल वर्कफोर्स इन इंडिया, लेस देन 1% ऑफ द वर्कफोर्स इज इन द गवर्नमेंट सेक्टर, लेस देन 1%. इफ some 500 million people are there who is a workforce, less than 1% of that force is in the government sector, and less than maybe 3% is in the industry, and just that 97% is in the organized sector, unorganized sector. So ab aap ye dekho apna scope, if you have just find your place in the government sector, in the industry, or you can also have your own businesses, you can start your own enterprises. So for that, it's very important for you that you have to sharpen your skills, you have to abreast yourself with those new kind of the courses which are being offered globally. You have to approach to your teachers, you have to ask the teachers, sir, please arrange these things for us. Ek tarika ye tha hamare liye ki hum apne teachers ko train kare aur teacher aapko bataye. और मेरे को लगता है कि शायद दूसरा तरीका यही सही है कि हम बच्चों को ही अलर्ट करें, बच्चों को बोलेंगे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ चिल्ड्रन, हम उनको समझाएं कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू शेप योर लाइफ. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दिस इज योर रिक्वायरमेंट, यू कैन आस्क योर टीचर्स टू प्लीज अरेंज. ये नई एजुकेशन पॉलिसी है जो है 2020 में एक प्रोविजन है दैट द प्रोग्राम्स मस्ट बी टेलर्ड टू इवन एवरी स्टूडेंट. मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इस वक्त, बिकॉज आई हैव अटेंड वन अनदर मीटिंग एट सम अनदर कैंपस, देयर इज अनदर कैंपस सम 8-9 किलोमीटर फ्रॉम हियर, इट इज एट शामर, देयर इज वेटरनरी कॉलेज, सो देयर इज सम अदर मीटिंग हैपनिंग देयर. सो मैं शुक्रिया करता हूँ अपने प्रिंसिपल साहब का कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, और मुझे खुशी है कि आप यहाँ पर आए, इस कैंपस में आए. और आप अगर चाहो तो इसके बाद can take around in the campus if you wish, but there is number of students are more, we could otherwise take you some different laboratories as well. You could see by yourselves what are those laboratories, what are those new kind of techniques and technologies which the scientists are using here, that we can arrange for you. I thank you again, or I wish best to the students, because you are the ones who are going to lead us in the future, and you are the ones who are going to shape the society for a better tomorrow. So thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. For your influential message and such wonderful remarks. Thank you for sharing your insightful knowledge with all of us. We have with us right now our guest of honor, Professor Yasmin Ashari, Neural Principal, Kashmir Division. She is available with us online. Please, ma'am.
Hello, am I audible? Yes, ma'am, you are. Hello? Yes, yes, hello. Okay. Should I start? Yes, please go ahead. Okay, thank you very much. Respected chief guest of the morning session, Secretary to Government Higher Education Department, Madam Sushma Chauhan, worthy guest of honor, Director Colleges, Professor M.I.P. Zada, Professor Farooq Malik, Principal of Degree College Sopore, my other revered colleagues from Kashmir University and SCOST, and all other dear colleagues, a very good morning and Assalamu Alaikum. It's a privilege to be part of this August gathering as we deliberate on a very important government intervention through the Ministry of Minority Affairs. We all know awareness and career counselling can ensure effective reach and implementation of programs and schemes on ground. I'm sure as this workshop progresses, it will help in better understanding of the ongoing schemes and their broader impact. It will help us understand the needs of target population and also suggest practical suggestions to monitor these schemes and programs of the ministry. Well, the various schemes implemented by the ministry in the UT of JNK are instrumental in the success mantra of empowerment through education. These schemes have the potential to uplift the socio-economic condition of the minority communities. Besides providing them better opportunities for higher education, the scholarship issue instituted by the Ministry of Minority Affairs enhances the employability of students. The schemes provide financial assistance to the poor and meritorious students belonging to minority communities and enable them to pursue professional and technical courses. The Center for Management Development, Thiruvananthapuram, undertook an evaluation study on part of the Ministry of Minority Affairs. Based on the discussions with the officials and beneficiaries and other stakeholders in the sample states and UTs, it was found that the awareness level of the minority community members about the various schemes needs further improvement. That means we are not very much aware about the schemes which are being floated by the government. Several suggestions were made to improve the awareness level, which I believe are relevant in the current context. See, from my experience as a teacher and as an administrator, I believe a comprehensive effort is required for publicity programs of these schemes. There needs to be a proper media plan in place. Of course, the media and language may be selected based on the basis of local literacy level and other factors. So, for instance, radio may be a more effective means of communicating the messages. Similarly, besides Hindi, Urdu and English, the language of the public interest, advertisements in Kashmir about the schemes may be Kashmiri language as well. Because as per the schemes degree, Panni Kashi language must compare to other languages. The visual presence of these schemes may also be amplified by using hoardings and banners. That means, bade bade hoardings and banners hone chahiye, jisse humko pata lage ki kaun si scheme kya hai, and wide publicity milegi. Social media like Facebook, because the students are right now very active on social media, on Facebook, on Twitter, so it is very easy to inform the masses. In fact, SMS facility, bada easy ho jata hai jab hum text karte hain, to agar humko SMS aa jaye, usse humko pata lagegi hamari schemes kya hai. Now, in addition to their routine programs, some specific training may also be imparted, other than publicity. And active self-help groups may be used as a media for communicating the scheme details to the members. The support of NGOs may be utilized in creating awareness regarding the various schemes. Open information centers or help desks can be set up to provide information regarding the schemes, where colleges also can play a very important role in this. Deliberations on any aspect of education will be incomplete if we don't mention our new education policy 2020, what Dr. Nazeer was also talking about. But NEP 2020 envisions a new era of quality education in India. As you know, NEP 2020 is an exhaustive and comprehensive document. It gives a glimpse of the great vision and it has been approved after extensive deliberations. Well, the NEP contains minorities are relatively, you know, we know that minorities are relatively unrepresented in schools and higher education.
That is why NEP acknowledges the importance of interventions to promote education of children belonging to all minority communities, particularly those communities that are educationally underrepresented. Education is a great leveler and is the basic tool for achieving economic and social mobility, inclusion and equality. Initiatives must be in place to ensure that all students from such groups, despite inherent obstacles, are provided various opportunities to enter and excel in the education system. Students from socially economically disadvantaged backgrounds require encouragement and support to make a successful transition to higher education. As envisaged by NEP 2020, universities and colleges need to set up a high quality support centers and will be given adequate funds and academic resources to carry this out effectively. There has to be professional academic and career counseling available to all students, particularly those belonging to the minorities. And we've seen that in previous days we've had pre-admission counseling sessions. So we can also have other counseling sessions in the colleges. We have to provide social, emotional and academic support and mentoring for all such students through suitable counseling and mentoring programs. This includes career counseling towards identifying student interests and talents, which Dr. Nazir was talking about. We have to see ki kis bache ka interest, kis bache ka talent, kis taraf hai. The multidisciplinary nature of all higher educational institutions and the emphasis on holistic education. Because students, you have to remember, when you come to college, you don't only come to college to acquire your degrees. You come to college for development of your personality, for developing wholesome personalities. Well, NEP 2020 has noted that women cut across all unrepresented groups. Iska matlab aurte jo hain, unki representation puri nahi hai, making up about half of all socially economically disadvantaged groups. Unfortunately, the exclusion and inequity that these students face is only amplified for the women. Women play a critical role in the society, therefore providing quality education to girls is the best way to increase the educational levels of these groups. Well, in addition, the Government of India is also constituting a gender inclusive fund to build the nation's capacity to provide equitable quality education for all girls. I can only see girls right now in Sopor College. The fund will be available to states and UTs to implement priorities determined by the central government for assisting female and transgender children in gaining access to education. Similarly, inclusion fund schemes shall also be developed to address access issues for socially economically disadvantaged groups among minority communities. This will help eliminate any remaining disparity in access to education, including vocational education, jis pe hamara bahut stress hai, for children from any gender or other socially economically disadvantaged groups. NEP 2020 also recommends that the policies and schemes should be specially targeted towards girls. And I believe we should follow the same when it comes to economically weaker sections of minority community. The existing successful policies and schemes need to be significantly strengthened. As we look forward to implement the schemes in letter and spirit, I think we should all consolidate on the good work that has been done on this front. As you know, there have been very successful policies and schemes such as targeted scholarships, conditional cash transfers to incentivize parents to send their children to educational institutions. Some schemes even provide bicycles for transport, etc. Many girls from our students and other colleges got scooties as part of this scheme. Such schemes have significantly increased participation of socially economically disadvantaged group in the education system in certain areas. We need to replicate this successful model for the schemes implemented under the aegis of Ministry of Minority Affairs. We have to, and I'm confident, we all will conduct successful outreach on higher education opportunities and scholarships. Well, my dear colleagues and my dear students, this is especially for my students, that the students should make the maximum benefit of these, should avail the maximum benefit of these scholarships which are available
I have to tell my dear students that we have made it mandatory for all colleges that the prospectus of every college should have the list of scholarship schemes which are available to students. कितना स्कॉलरशिप मिलता है, कौन सा मिलता है, कितना अमाउंट मिलता है, जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम्स है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, फिर कॉलेज क्या स्कॉलरशिप दे रहा है, कोई आपके एलुमनाई जो होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये सारी स्कॉलरशिप्स की स्कीम्स जो है ये बच्चों के लिए इनफैक्ट अवेलेबल होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स देखें कि मैं कौन सी स्कॉलरशिप अवेल कर सकता हूँ. बिसाइड्स दैट माई डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 12th के बाद आप प्रॉपरली बैठ के यूट्यूब देखो, करियर काउंसलिंग के चैनल्स देखो, जिससे आपको समझ आएगी आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं. बिकॉज फ्रॉम द वेरी अर्ली इट इज इम्पोर्टेंट टू बी फोकस्ड. अगर आप बेटा फोकस नहीं है तो जस्ट टू अक्वायर अ डिग्री ऑन अ पेपर एंड देन से मैं ग्रेजुएट हूँ इज नॉट गोइंग टू फेच यू एनी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द कॉलेज गेट. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू समथिंग विच इंटरेस्ट यू, यू डू इट आउट ऑफ पैशन, सो दैट आप अपने पैशन को कल को परस्यू कर सकोगे एंड यू कैन स्टार्ट सम यूनिट और एन एंटरप्राइज ऑन योर ओन, और इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू नो फर्दरिंग योर हायर एजुकेशन, परस्यूइंग योर हायर एजुकेशन, यू कैन परस्यू दैट. थैंक यू वेरी मच. Thank you, ma'am, for sharing your wonderful remarks and sharing influential messages with all of the dear students here. But before continuing our workshop with other speakers, we'll pause here for a short tea break. Tea will be served outside the convention center and we'll resume our workshop after 20 minutes. Thank you.